हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन, और आज हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3.6। इसमें कह रहा है कि स्मॉल नेग्लिजिबल करंट फ्लोज इन ए रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन ऊपर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़िए। और ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें दे रहा है कि लेंथ दिया हुआ है रेजिस्टेंस वायर की 15 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है ए इज इक्वल टू 6.010^-7 m², और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है आर इज इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर है, क्वेश्चन आप पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगा हुआ है। आपको निकालना है इसमें रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मीन्स हुआ रो, यानी इसको विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? फार्मूला रो इज इक्वल टू होता है आर ए अपान एल होता है। बहुत सरल है, आर ए अपान एल वैल्यू रख दो, निकल आ गया स्टूडेंट। रो इज इक्वल टू आर की वैल्यू दे रखी है 5, ए की वैल्यू है 6.010^-7 अपान एल की वैल्यू दे रखी है 15। ठीक, ध्यान से देखो, 5 से काट दिया ये 3 हुआ, 3 से इसको काट दिया ये 2.0 हुआ। ठीक, रो की वैल्यू आ गई 2.010^-7, इसका यूनिट होता है ओम इंटू मीटर। ओके स्टूडेंट, यही इसका आंसर है। गुड डे।